हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक चार्जर लेके आया हूँ। बेहतरीन चार्जर है दोस्तों, बहुत कम सामान यूज़ करके इसे बनाया है। तो दोस्तों उसकी खास बात यह है कि मैंने इसमें 7805 IC जो होती है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो वो मैंने यूज़ नहीं करी है और दोस्तों ना ही कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करा है। दोस्तों दो रेजिस्टेंस को मैंने जोड़ के ये सर्किट बनाया है, तो आप घर में बना सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि वो जो रेजिस्टेंस मैंने यूज़ करी हैं काफ़ी हैवी वाट में यूज़ करी हैं, तो दोस्तों आपको भी अच्छे वाट में यूज़ करनी है जिससे कि दोस्तों वो रेजिस्टेंस जले ना। दोस्तों मैंने वो सर्किट शुरुआत में दे रखा है, वीडियो की शुरुआत में मैंने वो सर्किट दे रखा है, तो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। यदि दोस्तों हम इसमें किलो ओम्स की रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो दोस्तों हमें अच्छा एम्पियर आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो मोबाइल चार्जिंग के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि एम्पियर नहीं होगा तो दोस्तों मोबाइल चार्ज हमारा जल्दी होएगा ही नहीं। दोस्तों इसका बेसिक ध्यान रखना है। और दोस्तों मैंने शुरुआत में बता ही दिया है कि ओम्स वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज़ करनी है और काफ़ी हैवी वाट में यूज़ करनी है, मतलब कि मैंने दे ही रखा है सर्किट में कि किस प्रकार की रेजिस्टेंस यूज़ करनी है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे कितनी वोल्टेज देनी है और कितनी आउटपुट में निकलेगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कोई भी इससे रिलेटेड। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि दोस्तों आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उसे वॉच कर सकते हो, मतलब कि देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। पहले दोस्तों मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मर लिया है, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा ट्रांसफॉर्मर पर हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए दोस्तों हम ये डायोड ब्रिज लगा लेते हैं। पहले हम इस ट्रांसफॉर्मर की वायर में डीसी निकालने के लिए, अब दोस्तों डीसी फिल्टर करने के लिए मैंने 16 वोल्ट का और 1000 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज़ करा है, जिसका पॉजिटिव वायर में पॉजिटिव में और नेगेटिव वायर नेगेटिव में जोड़ देता हूँ सिंपल तरीके से। दोस्तों देख सकते हो मैंने ये जोड़ लिया है। अब दोस्तों इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम कितनी है। तो मैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में लगा देता हूँ पहले। और ये देख सकते हो दोस्तों मीटर में हमारी 11 वोल्ट आ रही है। अब दोस्तों दो रेजिस्टेंस लिए हैं 100 ओम्स की, 100 ओम्स की। और दोस्तों पहली रेजिस्टेंस की वायर जो है मैंने पॉजिटिव में जोड़ दी है 11 वोल्ट की, और दूसरी रेजिस्टेंस की वायर भी मैंने नेगेटिव में जोड़ दी है, और दोनों रेजिस्टेंस मैंने आपस में शॉर्ट कर दी हैं। एंड की वायर देख सकते हो, ये एंड की वायर है, मैंने दोनों आपस में शॉर्ट कर दी हैं, मतलब सीरीज में लगा रखी हैं मैंने ये रेजिस्टेंस। दोस्तों मैंने शुरुआत में जो सर्किट दिया है उसके हिसाब से आप अपने घर में बना सकते हो। उसमें मैंने वोल्टेज और सर्किट रेजिस्टेंस दोनों दे रखी हैं। और दोस्तों फिर मैं इसमें वायर लगा लेता हूँ, इसकी जो हमने शॉर्ट करी थी उसमें पॉजिटिव देंगे और नेगेटिव हम डायरेक्ट 11 वोल्ट से लेंगे, जहाँ से 11 वोल्ट का नेगेटिव था वही नेगेटिव रहेगा, और पॉजिटिव हमने शॉर्ट हुई भी वायर से लिया है। अब दोस्तों इसकी आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कितनी ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है हमारा ये सर्किट। चलो दोस्तों हम ये चेक कर लेते हैं पहले, ये बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। इसकी आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं हम कितनी है। तो देख सकते हो दोस्तों 5 वोल्ट, बिल्कुल करेक्ट 5 वोल्ट इसकी आउटपुट वोल्टेज आ रही है, जो हमारे मोबाइल को चार्जिंग के लिए चाहिए होती है। तो दोस्तों आप ऐसे ही बना सकते हो घर में, आप सर्किट बना सकते हो और दोस्तों अच्छे एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी की रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो इसके लिए। अब दोस्तों मैं इसमें मोबाइल का जैक लगा देता हूँ सिंपल सा, पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में। और दोस्तों इससे मोबाइल चार्ज करके देखते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं। अब दोस्तों ये मोबाइल में लगा देता हूँ मैं सिंपल से, आपके सामने है सब कुछ, कुछ फेक नहीं है। देख सकते हो दोस्तों हमारा मोबाइल बिल्कुल अच्छे से चार्ज होने लगा है, लग चुका है चार्जिंग पे। और दोस्तों ये ज़्यादा एम्पियर का नहीं है, तो आप इसमें अच्छी क्वालिटी की रेजिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मर यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का बना सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।